हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ बात करेंगे कि आप UBPCS 2024 के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट एंड प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रहने वाला क्या रखनी चाहिए आपको, जो भी एस्पिरेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ मैं आपको फुल बुक लिस्ट एंड किस तरह से सब्जेक्ट वाइज आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको मैं उसके बारे में जानकारी दूंगी। तो सो फ्रेंड्स, अपना हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि इसमें जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जो ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, ये सब्जेक्ट ज़्यादा बैठे सकते हैं। एंड इथिक्स का तो GS4 का पेपर ही पूरा होता है। तो सो फ्रेंड्स, इसमें इन सब्जेक्ट्स का क्या बुक लिस्ट होगा एंड किस तरह से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। एंड जो अदर सब्जेक्ट हैं जिनका स्कोर कम रहता है बट उनकी बुक लिस्ट क्या रहने वाली है एंड करंट अफेयर का कितना वेटेज रहता है और करंट अफेयर आप कहाँ से प्रिपरेशन करें मेंस के लिए एंड प्री के लिए, उसका भी आपको मैं जानकारी दूंगी। सो फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की बुक क्या होनी चाहिए, हिस्ट्री के प्रिपरेशन कैसे करें। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के लिए आपको हिस्ट्री देखिए, हिस्ट्री का क्या होता है, इसमें मॉडर्न हिस्ट्री का मींस में ज़्यादा वेटेज होता है। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री का मींस में हिस्ट्री का ज़्यादा वेटेज रहता है। तो सबसे पहले तो आपको NCERT कवर करनी चाहिए। सबसे पहले आपको NCERT का है, जो NCERT अगर आप कर पाए तो जो 11th 12th की NCERT हैं उनको कवर कर लीजिएगा। एंड जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन होता है उसको NCERT में फाइन आर्ट्स की बुक आती है उससे कवर कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मॉडर्न इंडिया के लिए स्पेक्ट्रम आती है, तो स्पेक्ट्रम यदि आपने पूरी पढ़ ली है तो आपका पूरा मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मॉडर्न इंडिया के लिए कोई दूसरे सोर्स के लिए उसकी नीड नहीं रहेगी। ये देखिएगा, स्पेक्ट्रम की बुक इस तरह से आती है। अब उसका एडिशन चेंज हो जाएगा तो इसका ये टाइटल चेंज हो जाएगा। एंड मॉडर्न इंडिया के लिए विपिन चंद्रा की बुक भी आती है। ये स्टोरी वाइज बुक होती है, एक आप उसकी रीडिंग कर लेंगे तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यदि आपने NCERT पढ़ी हुई है, आपको हिस्ट्री का पहले से भी अंदाज़ा है, तो आपको विपिन चंद्रा की बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपको हिस्ट्री का ज़्यादा नहीं पता है, आपको आइडिया नहीं है, आप फुल सेल्फ स्टडी ही कर रहे हैं, तो आप विपिन चंद्रा की एक बार बेसिक रीडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज स्पेक्ट्रम में सारा कुछ फैक्ट बेस पे दिया होता है, तो आपको मॉडर्न इंडिया यहाँ से कवर हो जाएगा। एंड आपको फिर मेंस में आंसर राइटिंग के लिए क्या करना चाहिए, तो आप प्लासी टू पार्टीशन बुक आती है, तो उन शेखर बंदोपाध्याय की प्लासी टू पार्टीशन आती है, तो अगर आप उसको कवर कर ले रहे हैं तो आपको आंसर राइटिंग लिखने में आसानी रहेगी। बिकॉज स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि फैक्ट ज़्यादा दिए होते हैं, एंड जो प्लासी टू पार्टीशन है उसमें थियोरेटिकल एंड एनालिटिकल दिया हुआ है, जो कि हमारे आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करता है और अच्छा बनाता है। तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग उससे बेटर रहेगा आपका। एंड फिर आते हैं आर्ट एंड कल्चर, जो एंशियंट में का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर, तो उसके लिए आपको नितिन सिंघानिया की आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है। एंड NCERT को आप और नितिन सिंघानिया को, दोनों को आप प्रीवियस पेपर को साथ लेके ही पढ़िएगा, तो आपको आर्ट एंड कल्चर को पढ़ने में आसानी रहेगी। सिलेबस प्लस प्रीवियस क्वेश्चन उनको देखने के साथ ही आप नितिन सिंघानिया की बुक उठाइएगा, बिकॉज नितिन सिंघानिया की बुक उसमें बहुत कुछ दिया है, काफ़ी वास्ट है, तो पूरी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका रहा हिस्ट्री का बेसिक, कि आपको हिस्ट्री में किस तरह से आपको करना है। एंड अब चलते हैं हम, तो हिस्ट्री का आपका ये हो गया। देखिए, और हिस्ट्री का मैंने मेंस का बताया, और प्री के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो प्री के लिए आपको
हाँ एंड प्री के लिए क्या करना चाहिए, तो प्री में घटना चक्र का ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है। यदि आपने स्पेक्ट्रम को अच्छे से कर लिया है एंड जो प्रीवियस ईयर पेपर लगाए हैं आपने UPSC के लिए, तो आपको घटना चक्र में वही सब दिया होता है, PYQ दिए होते हैं एंड थोड़ा सा बेसिक दिया होता है, तो आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इतना हिस्ट्री के लिए मतलब बहुत है, हिस्ट्री के लिए इतना सब कुछ बहुत सारा है। अब बात करते हैं हम जियोग्राफी में, जियोग्राफी के लिए क्या करें। तो जियोग्राफी में क्या होता है, जियोग्राफी में आप देखिए, जियोग्राफी में NCERT 11th एंड 12th की यदि आपने कर ली है, तो आपको जियोग्राफी के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि जियोग्राफी में मोस्टली पार्ट यहीं से कवर होता है। एंड यदि आप और डीप में ही पढ़ना है, तो GC लियोन की बुक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, जियोग्राफी का इतने से आपका हो जाएगा पूरा। एंड जो एंड साथ में ही जो करंट में न्यूज रहती है कोई साइक्लोन अर्थक्वेक वगैरह का, तो आप उससे भी दे सकते हैं, बट साइक्लोन अर्थक्वेक ये डिजास्टर मैनेजमेंट में आ जाता है। तो जियोग्राफी के लिए आप 11th एंड 12th की बुक को अच्छे से उसको डीपली रीड कीजिएगा, तो आपका उससे पूरा हो जाएगा। एंड अब चलते हैं हम नेक्स्ट बुक पे, जो नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए क्या करें, तो इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 11th की बुक आती है जो इकोनॉमिक्स की, उसको आप पूरा कर लीजिएगा। क्लास 11th की NCERT होती है ना, तो इकोनॉमिक्स में उसके आप पूरा बेसिक आप क्लियर हो जाएंगे। एंड इकोनॉमिक्स में मोस्टली करंट का वेटेज ज़्यादा रहता है, तो करंट का वेटेज रहता है इसलिए आपको NCERT इकोनॉमिक्स में करंट से ही न्यूज क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसके लिए आप PYQ देखिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं एंड सिलेबस क्या है, तो उसको आप करंट से ही रिलेट करके पढ़िएगा। एंड क्लास 11th की मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक आती है जो सिलेबस में हो, आप कुछ पार्ट उससे कवर कर लीजिएगा। एंड इकोनॉमिक्स के लिए करंट अफेयर का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेटेज रहता ही है, ठीक है। एंड फिर इसके बाद यूनियन बजट एंड स्टेट बजट, UP की बात कर रहे हैं तो इसमें स्टेट बजट का भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये रहा अपना इकोनॉमिक्स का पार्ट। एंड नेक्स्ट आगे बात करते हैं इथिक्स से। इथिक्स के लिए सबको पता होगा कि लेक्सिकॉन की बुक आती है, ठीक है। तो आपने अगर लेक्सिकॉन की बुक को अच्छे से पढ़ लिया है, एंड देखिए पहली बात ये है कि आप सिलेबस को साथ में रख के ही पढ़िएगा, एंड हो सके तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ले लीजिएगा, क्योंकि जब दोनों चीज़ें साथ में रहेंगी तो आपको पता चलेगा कि हमें किस पार्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, किस पार्ट को ज़्यादा कम टाइम देना है, और दोनों को साथ में रख के ही पढ़िएगा। तो इस तरह से आप लेक्सिकॉन को पढ़िएगा, एंड इसके साथ में आप करंट एग्जांपल जो भी पढ़ रहे हैं उसके एग्जांपल कोई मिल जाए आपको तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इथिक्स में हमें समझाना होता है मोस्टली हमारे इथिक्स है ना, जो इथिक्स में अपने मोरल वैल्यू क्या हैं, पब्लिक वैल्यू, सोशल वैल्यू एंड इंटीग्रिटी, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है, तो इनके एग्जाम्पल रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से आप इथिक्स का अपना कर सकते हैं। आगे बात करते हैं पॉलिटी के लिए, तो पॉलिटी के लिए आप NCERT भी 11th क्लास की NCERT है एंड 12th की NCERT जो बेसिक के लिए पढ़ सकते हैं यदि आपको NCERT है पॉलिटी का कुछ नहीं पता है। अदरवाइज लक्ष्मीकांत की बेस्ट बुक फॉर बेसिक टू हाई लेवल, लक्ष्मीकांत ने सारा कुछ ही दिया है। लक्ष्मीकांत की एक लाइन इंपॉर्टेंट है, आपको लक्ष्मीकांत की उसको डीप स्टडी करना है, मल्टीपल टाइम डिवीजन करना है, एंड साथ में करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज मेंस में क्वेश्चन सारे करंट अफेयर से ही, मतलब करंट अफेयर्स एंड जो बेसिक है उससे मिलके ही बनते हैं। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो सब्जेक्ट बचे हुए अपने हैं जो करंट से रिलेटेड, इसमें करंट से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चन, एंड इसके लिए आप देखिएगा गवर्नेंस। तो गवर्नेंस में मोस्टली क्वेश्चन करंट से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आपने इसका BGNIS की या किसी भी कोचिंग की एलो बुक आती है उसको ले लीजिएगा यदि आप, एंड आप सिलेबस को साथ में रखिएगा, एंड गूगल पे आप कोई भी टॉपिक डालिएगा पूरा आ जाता है उसके बारे में, उससे पढ़ सकते हैं। जैसे सोसाइटी का किसी की एलो बुक ले लीजिएगा, एंड सब्जेक्ट के जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको आप गूगल से भी कर सकते हैं। इसी तरह से IR, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, इन तीनों की आपको कोई बेसिक बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, आप चाहें तो किसी भी कोचिंग की
एलो बुक ले सकते हैं। हाँ, इन्वायरमेंट के लिए शंकर आई एस के बुक लोग प्रेफर करते हैं। यदि आप हिंदी इंग्लिश मीडियम से हैं तो शंकर आई एस ले सकते हैं, यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि आई एस की बुक आती है। अदरवाइज आप किसी भी कोचिंग सेंटर की कोई बुक ले लीजिएगा, एंड मोस्टली करंट से ही, करंट का ही पार्ट रहता है। इस तरह से सारे सब्जेक्ट हो गए। एंड फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड इस तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए UPSC एंड UPSC की स्ट्रेटजी के लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसका भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। एंड आपको कोई डाउट हो इस से रिलेटेड तो आप उसका भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।